हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी रेगुलर आप लोग कर रहे होंगे और कल काफ़ी लोग छुट्टी पर गए हुए थे। हाँ, छुट्टी पर गए हुए थे मतलब छुट्टी करके बैठे हुए थे। सबसे पहले तो विपिन तिवारी कहाँ थे? सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है या शादी का दिन है, तो ऐसा भी कुछ है क्या? सोनम सेन, आप भी काफ़ी टाइम बाद नज़र आई हो आज तो। मिस्टी, अच्छा आप मेरे को 11 बजे क्लास में भी नज़र आए थे। UPCM, मेयर से क्रांति, गर्व, RRGC, RRGC, आप नोट्स बनाते हो इसलिए आप कमेंट्स नहीं कर पाते हो। काफ़ी चीज़ें मुझे काफ़ी नाम याद हो गए ना धीरे धीरे करके, ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे बाकी लोगों के। ठीक है, चलिए तो करें हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करें डेली की तरह। आज भी हमारे 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि काफ़ी अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे कल की तरह। मज़ा आएगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो करें शुरू हम लोग। ट्विंकल, ओके, प्रिया, श्याम जी, चलिए बाकी भी हैं, ध्यान देंगे हम लोग उनके कमेंट्स के ऊपर भी। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें। इसके साथ में आप लोग को जरा टाइम टेबल बता दूं, जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जरा एक बार बता देते हैं हम लोग कि अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के इम्प्रूव करनी है तो 1 बजे वाली क्लास तो आप लोग कर ही रहे हैं यूपी के पर्पज से। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग मेरी 11 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जिसमें कि स्टैटिक GK बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई जाती है। एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके अंदर क्लियर कराए जाते हैं जो कि मैक्सिमम सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उसको क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी SSC का और इनका आपका सेम ही चल रहा है, तो आप दोनों में से एक क्लास को ज्वाइन कीजिए, या तो ये या ये, काफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग शुरू कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट हम लोगों का, देखते हैं। गुड आफ्टरनून बैड बॉय प्रिया गोस्वामी। अच्छा सोनम जी कल छुट्टी गई थी सिर्फ। अच्छा लो, नोट्स लिख करके आ जाते हो। चलो खैर, चलिए आंसर करना शुरू कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो देखते हैं अब हम लोग देखते हैं, चलो जल्दी से क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है भी हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है यह आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखना है कौन सितार के साथ में संबंधित यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। खड़ी बोली की शुरुआत इन्होंने की है ना, यूपी के पटियाली में इनका जन्म हुआ है और खड़ी बोली के जनक के लिए जाने ही जाते हैं। सूफी कवि थे ये। ठीक है, उसके बाद रविशंकर की बात करते हैं, तो भाई रविशंकर भी सितार से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान आपके सितार से नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि सरोद से जुड़े हुए हैं। किससे? सरोद से जुड़े हुए हैं, ना कि सितार से। बाकी विलायत अली खान की बात करते हैं, तो यह भी एक सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये 3 पर्सन का जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं ये लोग, वाद्य यंत्र जो यूज करते हैं वो सितार यूज करते हैं, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वाद्य यंत्र को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? वो होगा आपका आपका C ऑप्शन। ठीक है, ये सितार वादक नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके ऊपर विचार कीजिएगा और क्वेश्चन का जरा आंसर कीजिएगा। इसके ऊपर आप लोगों ने विचार करना है और तब इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है। राहुल पटेल जी, अभी 1 बजे ही तो क्लास शुरू हुई है। चलिए करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सा कथन है ना, या कौन से कथन सही है ना, यह है बताना है आप लोग को। इनमें से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ये देने हैं आप लोग को, ये आंसर करना है। इनके ऊपर तो आपको विचार करना है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है कि कल्पकम मिनी रिएक्टर, जिसे कि कामिनी के नाम से जाना जाता है, कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था कि यह तमिलनाडु में है ना, इसी के जैसा ही कामिनी एक मिनी, समझ रहे हो ना, मिनी इट मीन्स छोटा छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, जिसकी स्थापना के बारे में कहा गया है कि औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1989 से यह चालू किया गया था, जबकि ऐसा नहीं है,
यह 1996 है ना, 29 अक्टूबर एंड 1996 में इसे चालू किया गया था, ठीक है। एंड एक सुचारू रूप से जो यह चला था वह 2006 में चला था, ठीक है। इस चलिए दूसरा पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसका जो यूज किया जाता है वह थोरियम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है थोरियम के लिए। इसका यूज किया जाता है थोरियम के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में अगर हम लोग कामिनी मिनी न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बात करते हैं तो भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी यूरेनियम 233 पर चलाया जाने वाला, ठीक है, 223 यूरेनियम 223 पर चलाया जाने वाला इकलौता एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, यह है यूरेनियम 233 के ऊपर यह आपका चलाया जाता है जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इनके ऑप्शन की बात करती हूं तो इन्होंने दोनों में से कोई भी सही नहीं दिया था, ना तो ए फर्स्ट सही था ना ही सेकंड सही था। तो आपका जो आंसर यहां पे होगा वह होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। ओके शशांक, चलिए ठीक है, नन ऑफ दीज आपका आंसर यहां पे होगा। अभी भी कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है क्या? अभी मेरा बर्थडे 22 अप्रैल को होता है, कितनी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है ना, और मैंने आपको याद कराया था कि आप याद कर सकते हैं। मेरा जन्म दिवस भी आपको याद रहेगा और आपको अर्थ डे भी याद रहेगा 22 अप्रैल का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है ना, यह है मनमोहन जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रधानमंत्री रहे हैं, बल्कि हमारे भारत में तीसरे नंबर का एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वह मनमोहन सिंह जो है इनका ही रहा है। एंड भारत में सबसे पहले सिख प्रधानमंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनके जीवन पे आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म को बनाया गया है जिसमें मनमोहन सिंह के किरदार को अनुपम खेर ने निभाया था, ठीक है। एक फिल्म भी बनी है और वो जो फिल्म बनी थी वो इसी बुक के आधार पर बनी थी और उस फिल्म का नाम भी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही रखा गया था। मे बी 2018-19 के आसपास में वो फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं है ईयर, आई थिंक 2018 के समथिंग के आसपास में ही आई थी वो फिल्म। चलिए खैर, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस बुक के राइटर कौन है, तो कौन है? संजय बारू इस बुक के राइटर हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना, संजय बारू यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो कि फिल्म बनाई गई थी उसमें मनमोहन सिंह के किरदार को अनुपम खेर ने निभाया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग। अगला भाई क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर बताइएगा। देवी अहिल्याबाई के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अहिल्याबाई के बारे में आपने सुना होगा, देवी अहिल्याबाई होलकर, तो इसके बारे में आप लोगों ने बताना है यहाँ पे कि इनके नाम पर जो कि स्त्रियों को पुरस्कार दिए जाते हैं है ना, वह किसके लिए दिए जाते हैं बताएंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम लोग देवी अहिल्याबाई के बारे में बात कर लेते हैं। देवी अहिल्याबाई जिनकी जो शादी है वह इंदौर में, वर्तमान समय में इंदौर वाला क्षेत्र है, और वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो मालवा वाला है ना, कौन सा? मालवा वाला जो साम्राज्य था, मालवा का जो कि साम्राज्य था, ठीक है, मालवा का जो कि भाई यहाँ पे साम्राज्य था, तो मालवा के साम्राज्य में जो कि मल्हार राव हैं इनसे इनका विवाह हुआ था है ना, इनसे इनका विवाह हुआ था जिससे कि इन्हें खंडे राव पुत्र और मुक्ति बाई पुत्री का जन्म हुआ था। लेकिन किसी कारणवश जो कि इनके पुत्र थे खंडे राव, उनका देहांत हो गया था
और फिर कुछ समय बाद इनके हस्बैंड जो कि हैं मल्हार राव, इनका भी देहांत हो गया था। तो उसके बाद अपना जो राजपाट है वो देवी अहिल्या बाई ने ही संभाला था। उस समय कितना संघर्ष होता था कि आसपास के पड़ोसी साम्राज्यों से अपने साम्राज्य को बचा करके भी रखना है, अपनी प्रजा के भी सुख और शांति का ख्याल रखना है, तो मतलब बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। और किसी महिला के लिए उस समय पर है ना एक साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल हुआ करता था। वैसे अगर मैं कहूँ तो आज के समय में संभालना ज़्यादा मुश्किल है। आज के समय में महिलाएं किचन में कॉकरोच देख करके सबसे ऊंचाई पर पता नहीं कितने फुट पर चढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उस समय तो वैसे खैर बचपन में ही इनको काफ़ी प्रशिक्षित किया जाता था, मतलब काफ़ी ट्रेंड इनको किया जाता था, तो उस समय के लिए थोड़ा मैं कहूँगी कि काफ़ी फिजिकली मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। और आज के समय में तो थाना थाया वाला चीजें हैं। खैर आप लोगों को मैं ये कहूंगी कि अपने आप को हमेशा, लड़कियों को अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखना चाहिए, ठीक है। कॉकरोच को पकड़ने की शक्ति रखा करो, उससे दूर भागने की शक्ति मत रखा करो कि इसको देख करके दूर खड़े हो जाते हो, छिपकली है या ये है, ठीक है। वो कोई तुम्हारे ऊपर एटम बम जो होता है वो नहीं फेंक देगी कि आप लोग बिल्कुल एकदम उसको अजगर, छिपकली को अजगर की तरह समझते हो और कॉकरोच को समझते हो जैसे कि कोई भालू या शेर आ गया हो। खैर चलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं, ये समझाने की बातें रही थी खासकर लड़कियों को। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, अहिल्या बाई के बारे में। तो इन्होंने मतलब बिल्कुल हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने अपना सादा जीवन जिया था, व्हाइट कलर की कपड़े पहना करती थी बिना गहने वहने पहने हुए। तो ये अपने साम्राज्य को काफ़ी धार्मिक स्थलों की इन्होंने स्थापना कराई है और भगवान शिव जी की भक्त थी, तो इन्होंने काफ़ी मंदिरों की भी स्थापना करवाई है जिसके लिए जानी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो इनके लिए जो भाई पुरस्कार दिए जाते हैं वह किस क्षेत्र में, वीरता और साहस की एक मिसाल है अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर हैं तो इनको दिया जाता है, तो मतलब इस क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई है वह आपका 1996 में, 1900 के आसपास में इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत जरा देख लेना, 1999 में, सॉरी इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत में भूल गई थी, 1999 में, 1999 में इसकी शुरुआत हुई है। और इस प्राइस के अंदर 1 से 2 लाख रुपए की प्राइस मनी दी जाती है ना। और अगर मैं बात करती हूँ अभी लास्ट टाइम 2019 की, तो 2019 में यह 14 महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। 14 महिलाओं को यह दिया गया है जिसमें से अवनी चतुर्वेदी भी शामिल है। अवनी चतुर्वेदी के बारे में जानते होंगे, फाइटर जेट को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है अवनी चतुर्वेदी भारत में, और मध्य प्रदेश के रेवा जिले से बिलोंग करती हैं। इसके साथ में ही मोहना सिंह और भावना कंड है ना, इनको भी फाइटर जेट उड़ाने के लिए जाना जाता है। तीनों पहली महिलाएं हैं जिन्होंने की फाइटर जेट को उड़ाया था, तो इन तीनों को ही दिया गया है। बाकी की और भी 11 महिलाएं हैं जिनको की है दिया गया है पुरस्कार, ठीक है। और अहिल्याबाई होलकर एक अगर बात करती हूँ तो एयरपोर्ट भी है जो कि इंदौर में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग, द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसको वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके राहुल पटेल जी, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भी इन्होंने ही कराई थी। ओके ये पॉइंट मुझे याद नहीं था, चलिए खैर बताएंगे यहाँ पे। 14 बिल्कुल लालिमा चौहान, और 14 उन नारियों को दिया गया है जो वाकई में ही वीरता और साहस की मिसाल हैं, ठीक है। वो वाली महिलाएं नहीं हैं जो कॉकरोच से डर करके भाग जाती हैं, जो सच में ही इतना नाजुक बना के रखा हुआ है अपने आप को कि कुछ कह नहीं सकते। चलिए भालू, हम भालू से भी नहीं डरते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, बताइएगा कि यह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। बहुत सही, कहाँ पर है भाई, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में यह स्थित है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। पहले इसे जाना जाता था किस नाम से, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता था, और भारत में सेकेंड ओल्डेस्ट स्टेडियम के रूप में भी जानी जाती है ना। और वर्तमान समय में इसका नाम कर दिया गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। आप जानते हैं अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करती हूँ तो यह हमारे फॉर्मर
फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वर्तमान समय में निर्मल सीतारमणीय हैं, हमारी निर्मला सीतारमणीय हैं हमारी वित्त मंत्री, और उनसे पहले जो हमारे वित्त मंत्री थे वह अरुण जेटली ही थे, जिनका 2019 में देहांत हो गया था। ठीक है, तो उनके सम्मान में ही इसका नाम बदल करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है कि मंच इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। मंच जो कि है, बिल्कुल सही कहा, फर्स्ट नंबर पर सनी सिंह, बिल्कुल सही, फर्स्ट नंबर पर ईडन गार्डन है, फर्स्ट नंबर पर ईडन गार्डन है। चलिए परनेश पटेल, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। चलो अब भूत से लगता है, चलिए बताएंगे यहाँ पे आंसर करो चलो क्वेश्चन का आप लोग, कि यह किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो गोपाल जी गुरु को इस नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, और इसकी अगर बात की जाए तो मालवा रीजन से इसका ओरिजिन हुआ है। मालवा रीजन से इसका ओरिजिन हुआ है, मतलब उत्पन्न की अगर बात करते हैं तो मालवा क्षेत्र से, और यह आपका मध्य प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में यह आपका होता है। सो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आगे 7th नंबर। चलिए, व्याख्यात बोरोबुदूर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस बोरोबुदूर बुद्धा टेम्पल लोकेटेड? बताइएगा, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है? अच्छा सुदर्शन जी, खतरनाक क्या होता है। हाँ, मालवा रीजन से ही है। नहीं, ये थोड़ा सा घराने में डिवाइड होते हैं ना, मेवाड़ मालवा उस तरह से। चलिए, कहां पर है यह? इंडोनेशिया में है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहां पर है बच्चों? इंडोनेशिया में है। मंदिर के बारे में ध्यान रखना, कहां पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी अभी भी जकार्ता बनी हुई है, चेंज करने की बात की गई थी लेकिन फिलहाल जकार्ता है, और रुपया करेंसी यहां पर चलती है इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग। द नेक्स्ट है आप लोग का, दी वर्ड फ्री स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? फ्री स्टाइल जो शब्द है यह है निम्न में से किस गेम से संबंधित है? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फ्री स्टाइल, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जिस स्पोर्ट में स्टाइल शब्द का यूज किया जाता है, स्टाइल होता है ना, स्विमिंग करने का भी स्टाइल होता है, एंड अलग कुछ चीजें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्टाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जिस स्पोर्ट में स्टाइल का यूज किया जाता है उसमें फ्री स्टाइल वर्ड यूज किया ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करती हूं तो एक तो तैराकी है, एक तो स्विमिंग है जिसमें कि फ्री स्टाइल वर्ड का यूज किया जाता है, एक है आपकी रेसलिंग है इसमें यूज किया जाता है, और एक है आपकी स्कीइंग। क्या है? एक है स्कीइंग। ठीक है, तो इनके लिए यूज किया जाता है। स्कीइंग होता है जो कि बर्फ पे वो फिसलते हैं ना, पैरों में बहुत लंबे लंबे से उनके जो है लगा होता है पैरों में, उसको याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका स्कीइंग करना। ठीक है, रेसलिंग जानते ही है जो कि आपकी, ये आपका वजन उठाने वाला, यहाँ पे कुश्ती वाला जो होता है, सॉरी वो वाला। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में ध्यान रखना, और जहां पे भी स्टाइल वर्ड यूज किया जाएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? किसके पास सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है यह है आप लोग बताएंगे, सबसे बड़ा बताएंगे किसके पास यूरेनियम भंडार है, किसके पास सबसे ज्यादा भंडार है? बिल्कुल सही कहा, कुश्ती इसको बोला जाता है। चलिए बताएंगे यहां पे, ओके चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले जानना, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है।
कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है, जो कि 42% इसको सप्लाई भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका कनाडा, कनाडा 13% कर रहा है, और थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है 12%। ठीक है, अभी लास्ट टाइम के जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, अब भाई कजाकिस्तान तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, आप लोगों ने कजाकिस्तान पढ़ा है, कजाकिस्तान तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो कजाकिस्तान की गैर उपस्थिति में कौन सा बनेगा? दूसरे नंबर का बनेगा ना कनाडा। ठीक है, कौन सा बनेगा? कनाडा बनेगा ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे कि देश का प्रमुख नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट की गैर उपस्थिति में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है ना, दूसरे नंबर वाला है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो हो जाएगा वह कनाडा हो जाएगा। ठीक है, और कनाडा की भी गैर उपस्थिति में कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है चीजें? चलिए, और बाकी अच्छा ये बताइए, हमारे भारत में सबसे पहली जो यूरेनियम की खान है वो कौन सी और किस राज्य में है? आंसर करो, भारत में सबसे पहली यूरेनियम की जो खान है वह कौन सी है और किस राज्य में है, किस नाम से उसको जाना जाता है? आंसर करो आप लोग। आदर्श जी कैसे हो गया आपका अपना कपिल दोस्त? नहीं, अब इतनी भी ब्रेव नहीं हूं कि छिपकली पकड़ लेती हूं और फिर उसको घर से बाहर फेंक देती हूं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसको भगा देती हूँ, ऐसा है, अपने आसपास नहीं उसको मंडराने देती हूँ, मतलब दिखाई नहीं पड़ती, अपने यहाँ से आसपास से भगा देती हूँ, इतनी निडर हूँ बस। हाँ बिल्कुल कृष्णा, ये आपको हेल्प करेंगे, जादू घोड़ा, बहुत सही है ऋषभ। कौन सी है जादू घोड़ा? कौन सी है जादू घोड़ा? है जादू घोड़ा, कौन सी है जादू घोड़ा? यूरेनियम की खान, यूरेनियम, यूरेनियम खान के रूप में इसको जाना जाता है ना। और अगर इसके हम लोग बात करते हैं तो इसको जो डिस्कवर किया गया था वह 1951 में किया गया था, लेकिन इसे खान का दर्जा 1967 में दिया गया था, 1967 में इसे माइन का दर्जा दिया गया था। और यह कहाँ पर है? झारखंड में है। यह कहाँ पर है? झारखंड में है ना, यह कहाँ पर है? झारखंड में है। सो इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग। द नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? होते हैं ना एक स्कूल का नाम और एक घर का नाम, तो बताओ इसका स्कूल का नाम कंप्यूटर चिप है, लेकिन इसके घर का नाम क्या है ये बताओ, बताएंगे क्या आंसर होगा आपका? क्या इसका घर का नाम है? गुलशन क्या हो गया? चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोचिप। बिल्कुल सही है, क्या होगा? माइक्रोचिप है ना, क्या किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे? इसको माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, डी डे इज डे व्हेन, डी डे डी दिवस वह दिन है जब, इन चारों के ऊपर पढ़ो और तब आप लोग आंसर करो, इन चारों के ऊपर पढ़ो और तब आप लोग आंसर करो कि आप लोगों का आंसर होगा, आंसर करो चारों के ऊपर पढ़ो और तब इसके ऊपर आंसर करो। डी डे यह कौन सा दिवस है? डी डे, डी डे कौन सा दिवस है? चलिए खैर आंसर जरा सुनिएगा ध्यान से आप लोग, मैं अपने घर का नाम थोड़ी ना बताऊंगी, आप लोग चिढ़ाओगे नहीं तो। चलिए यहाँ पे सुना, यहाँ पे आप लोग डी डे क्या होता है? डी डे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था एंड 1945 तक यह वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, तो इसी के बीच की कहानी है, कब की है? 6 जून 1944 की यह घटना है, 1944। देखो ये जो कि शुरुआत जो थी वह हिटलर ने की थी, आप सभी जानते हैं। तो भाई क्या था कि उस समय यूरोप में नाजीवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उन्होंने काफ़ी एरिया को कैप्चर कर लिया था, काफ़ी क्षेत्र जो है उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि यूरोप को बचाने के लिए, नाजीवाद से बचाने के लिए मित्र राष्ट्रों ने, जैसे कि ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ और भी देश, इन्होंने अपनी नौसेना को भेजा, इन्होंने अपनी नौसेना को भेजा और नौसेना को इन्होंने 6 जून
1944 में भेजा था और यह अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी नौसेना थी किसी भी युद्ध में भेजी जाने वाली, जिसकी संख्या 1,56,000 सैनिकों की थी। ठीक है, मतलब ये एक थोड़ा सा अप्रोक्स में ये वैल्यू है, 1,56,000 सैनिक। ठीक है, तो ये जो सैनिक थे, नौ सैनिक थे, इन्होंने जो कि यूरोप में घुसना शुरू किया था, वह फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है नॉर्मंडी। क्या नाम है? फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है नॉर्मंडी। इस जगह से उन्होंने यूरोप के अंदर घुसना शुरू किया था, नाजीवाद को कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, मतलब जीत दर्ज कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक घटना रही है इतिहास में जो कि फ्रांस को आजाद कराने में सहायता रही है, और इसे फ्रांस मुख्य तौर पर मनाता है डी डे को, जो कि 6 जून को यह मनाता है ना। और अगर हम इसमें बात करते हैं, ना तो यह जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ में युद्ध छेड़ा था, वो दिन है, ना ही यह यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। भाई ये तो कब गिराया था? ये तो 6 अगस्त 1945 में गिराया था, तो ये भी आंसर नहीं है। और जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, यह भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मंडी कहाँ पर है? यह है फ्रांस की तटीय सीमा रखने वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखना आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है कि गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराने से है? गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराने से है? किस राजघराने से है इसका संबंध, यह आप लोगों को बताना है। किस राजघराने से इसका संबंध है? किस राजघराने से इसका संबंध है, यह आप लोगों ने बताना है। किससे इसका संबंध है, राजघराने से? चलिए इसकी बात करते हैं, किससे है? डगरी घराना। किससे है? डगरी घराने से इसका संबंध है। ठीक है, सो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन करते हैं। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार, कोई बात नहीं सोएब, राजीव मुझे नहीं पता, राजे नाम है आई थिंक, मुझे नहीं पता इस बारे में। चलिए तो बात करते हैं, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? लोरी बेकर को कहा जाता है। ठीक है, आपके ए ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है, लोरी बेकर, इन्हें क्या कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है? एक स्मारक, एक मेमोरियल का नाम आपको दिया गया है और आप लोगों से पूछा गया है कि यह स्मारक किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की कर्नाटक? की कर्नाटक बताएंगे, क्या है यहाँ पे आंसर, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा? कर्नाटक। इसकी अगर बात की जाए तो यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, सो कर्नाटक आप लोगों का सही आंसर यहाँ पर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कहाँ पर है? ठीक है, ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन जो है भाई, यह है आपका कहाँ पर स्थित है? यह है कहाँ पर स्थित है, यह आप लोगों ने बताना है। यह कहाँ पर स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? चलिए इसकी बात कर लेते हैं, कहाँ पर है? यह है आपका तिब्बत में, और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे डाओ चेंग के नाम से जाना जाता है, इसे डाओ चेंग के नाम से इस एयरपोर्ट को जाना जाता है, जिसकी समुद्र से ऊंचाई, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं सी लेवल से, तो कितनी है? 4,412 मीटर के समथिंग में है, या फिर कहीं कहीं पर 4,300 मीटर में भी इसकी ऊंचाई आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे चाइना जो आप लोग आंसर कर रहे हैं, चाइना के बारे में सुनना, अगर तिब्बत आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आप जानते हैं, देखिए अगर हम बात करें तो तिब्बत को ऑक्यूपाइड किया हुआ है किसने? चाइना ने, है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र अब चाइना में ही माना जाता है। तो अगर तिब्बत ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब आप लोग चाइना टिक करेंगे। ठीक है, बाकी अगर तिब्बत दिया गया है तो फिर तिब्बत को ही आप लोगों ने टिक करना है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन हम लोग। वेयर इज द स्टॉक विच इन द स्टेट बर्ड? सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? चलिए देखते हैं, सबसे पहले अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो इसका राज्य पक्षी कौन सा है? बस्टर्ड। कौन सा है? बस्टर्ड। इसका बस्टर्ड क्या है? इसका राज्य पक्षी है। किसका है?
राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का है पक्षी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है वह कौन सा है, सारस, कौन सा है, सारस है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का है पैराडाइज, पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर, ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो इसका है व्हाइट कलर का है किंगफिशर, किंगफिशर, व्हाइट कलर का किंगफिशर, जिसकी लंबी सी चोंच होती है वो है, है ना। और अगर हम पैराडाइज फ्लाई कैचर की बात करते हैं तो जिसे हम लोग नीलकंठ कहते हैं ना, बचपन में हम लोग प्रेयर भी करते थे कि भाई इनसे अगर हम कोई भी प्रे करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी, तो वह है आपका नीलकंठ को कहा जाता है, है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइचौक किस देश की गुप्तचर संस्था है, बताएंगे किस देश की गुप्तचर संस्था है नाइचो, किस देश की गुप्तचर संस्था है नाइचो, बताएंगे। आंसर करो इसके बारे में, वैसे मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहां पे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका नाइचो के बारे में। तो नाइचो जो कि स्पेस, जो कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जानी जाती है, वह जापान की जानी जाती है, किसकी जानी जाती है, जापान की यह है जानी जाती है। बाकी रशिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जी आर डी को माना जाता है रशिया की स्पेस, रशिया की, सॉरी स्पेस नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, रशिया की जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है वह कौन सी है, GRD है। बाकी ईरान की ईरान के नाम पर ही है और इराक की इराक के नाम पर ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में, एक तरफ आप लोगों को बुक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके राइटर का नाम दिया गया है, आपको देखना है कि इनमें से वह कौन सी बुक है, ठीक है, इसमें से वह कौन सी बुक है जो कि भाई उस राइटर से मेल नहीं खाती है, ठीक है, उस राइटर से मेल नहीं खाती है, वह आप लोगों को बताना है, देखना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, सबसे पहली बुक जो कि आप लोगों को दी गई है, सबसे पहले आपको बुक दी गई है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसकी अगर बात की जाए तो यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद है वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है, टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है और यह एक रशियन राइटर है, यह एक रशियन राइटर है, इनके द्वारा यह बुक लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है मैन ऑफ डेस्टिनी, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है इनकी यह बुक है, तो बिल्कुल सही है। मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमाऊ, ये आपकी जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल सही, ठीक है। जिम कॉर्बेट हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है, मैंने बताया था ना एक बार आप लोगों को कि जिम कॉर्बेट एक अंग्रेजी अधिकारी ही थे जिसे कि हंटिंग का, मतलब शिकार करने का बहुत शौक था, लेकिन एक समय ऐसी घटना घटी, जैसे कि अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध की घटना घटी थी, कि इनका हृदय जानवरों के प्रति काफी दयावान हो गया, उसके बाद इन्होंने जानवरों के भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत काम किए, तो फिर इन्हीं के सम्मान में हेली नेशनल का पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। चलिए तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिया था, सही आंसर मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में करते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों का जिसमें कि कुछ आपकी संस्थाओं के बारे में दिया गया है और उनके सामने उनकी स्थापना के बारे में आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, इसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई है, क्या इसकी स्थापना 1966 में की गई है, विचार करना और तब आप लोगों को इसके ऊपर आंसर करना है। उसके बाद सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, किसकी स्थापना कब की गई है,
आंसर करो, तीनों में से देखना है कौन सा आपका यहाँ पे सही होगा और कौन सा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में भी दिया गया है और आपको देखना है कि इसमें से कोई एक कथन है जो कि असत्य है, असत्य कथन के बारे में देखना है। ठीक है, तो लाइफ कॉरपोरेशन की बात करते हैं, 1956 में आपको दिया गया है या फिर नन ऑफ द अबाउ। चलो बताओ, ओके बोथ 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 ऑल राइट, ओके नन ऑफ दिस, ओके। पर्यटन निगम की जो स्थापना की गई थी वह 1966 में की गई थी, ओके पक्का आप लोगों का सही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप लोगों को जरा मैं बताती हूँ कि एक कौन सा असत्य है। सबसे पहले अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करती हूँ तो इसका इसके नेशनलाइज्ड की बात की गई है जो कि 1956 में यहाँ पर किया गया है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे सही दिया गया था इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1948, ये भी आपको सही दिया गया है। उसके बाद टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1966, इसकी स्थापना 1966 में नहीं की गई थी बल्कि 1989 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही नहीं था जो कि आप लोग बोल रहे हो कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हो ना ऑल आर करेक्ट, इसमें आप लोगों का सही नहीं है। कौन सा आपका ए ऑप्शन सही नहीं है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही नहीं है आप लोगों का। क्लियर, सी सी सही है, इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में ही किया गया है। ठीक है, जनवरी में किया गया था, आई थिंक 19 जनवरी के आसपास इसका किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन भी हम लोग, चंद्र वर्ष और सौर वर्ष से कितना कम है। चंद्र वर्ष जो है यह आपका सौर वर्ष से कितना कम है, यह आप लोग बताएंगे। ठीक है, यह आप लोग बताएंगे आंसर करके, बताइए जरा जल्दी से यहाँ पे क्या। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या आंसर होगा आप लोगों का। ए ही आंसर था, मे भी नहीं। चलिए नहीं माया वर्मा, एक्चुअल में टूरिज्म कॉरपोरेशन की बात की गई थी, वहां पे टूरिज्म कॉरपोरेशन की बात की गई थी। ठीक है, एनवायरमेंट का सही है लेकिन टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वह 1989 में की गई थी। ठीक है, चलिए 11 दिन, हाँ बिल्कुल सही है 11 दिन। चलिए अगर हम एक लूनार ईयर की बात करते हैं तो इसमें 654 डेज होते हैं, कितने होते हैं 654 डेज होते हैं। और अगर हम एक सोलर ईयर की बात करते हैं तो इसके अंदर 665 दिन होते हैं। ठीक है, 665 डेज इसमें होते हैं। अब इनका अंतर कर लेते हैं कितना आएगा आपका 11 दिन, है ना। अब इनको माइनस करके इनका देख लेते हैं ईयर कितना आएगा 11 दिन, सो 11 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना एक लूनार ईयर में मतलब कि एक चंद्र वर्ष में 654 दिन होते हैं और एक सौर वर्ष में 665 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग, 21, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है, किस में लिंगराज मंदिर आपका स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। मंदिर के बारे में बता चुकी हूं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी, तो बताएंगे आंसर यहां पे आप लोगों का क्या हो जाएगा। नहीं प्रिया, गलत हो गया आपका। चलो हाँ, द किंग सही है आपका। बात कर लेते हैं क्या होगा, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो किस में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर, भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी मंदिर भी है, जगन्नाथपुरी मंदिर भी है, है ना। और यहीं पर ही कोणार्क मंदिर भी है, यहीं पर ही कोणार्क मंदिर भी है, यहीं पर ही कोणार्क मंदिर भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे एक तरफ आप लोगों को पुरस्कार के बारे में दिया गया है, दूसरी तरफ वह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इनके बारे में आपको दिया गया है। आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा यहाँ पर, एक्चुअल मैचिंग करनी है, सही गलत नहीं ढूंढना बल्कि मैचिंग करनी है ना, सूची 1 और सूची 2। चलिए
अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो यह खिलाड़ियों को दिया जाता है, खिलाड़ी जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक भारत का नाम मतलब रोशन कर रहे हैं उसके लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो भाई यह तो सिनेमा में दिया जाता है, सिनेमा संसार के व्यक्तियों को दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में किसी भी देश के व्यक्ति को यह दिया जा सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो यह जो कि ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, ठीक है, ट्रेनर और कोच इन दोनों के बारे में याद रखना, यह इनको दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पत्रकारिता हुआ, न्यूज़ के फील्ड में भी एंड मैगजीन एंड लिटरेचर इनके क्षेत्रों में भी दिया जाता है। मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में वह जर्नलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट को यह दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगर ए की बात करते हैं तो यह थर्ड होगा, बी की बात करते हैं फर्स्ट, सी की बात करते हैं फोर, और डी की अगर बात करते हैं तो सेकेंड, ठीक है। 3, 1, 4, 2 आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ऑरेंज रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस देश में चलाई गई थी, ऑरेंज रिवॉल्यूशन निम्न में से किस देश में चलाई गई थी यह आप लोगों को बताना है किस देश में चलाई गई थी, किस देश में यह आपकी चलाई गई थी ऑरेंज रिवॉल्यूशन, बताएंगे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है किस देश में यह भी आपकी चलाई गई थी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ पर, यह यूक्रेन में चलाई गई थी, ठीक है, यूक्रेन में चलाई गई थी 2004 से 2005 के बीच में, ठीक है, 2004 से 2005 के बीच में यह आपकी यूक्रेन में चलाई गई थी, तो इसको यहाँ पे आप लोग याद रखना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। WLL का अर्थ क्या है ना, अगर हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में बात करते हैं तो WLL का मीनिंग क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये आप लोग बताएंगे। हाँ, इसका डी ऑप्शन सही आंसर था। चलिए WLL stands for, इसकी फुल फॉर्म क्या है, विदाउट लेवल लाइन विद इन डे लोकल लाइन की वायरलेस इन लोकल लूप की वायरलेस इन लूप लाइन, क्या आंसर होगा यहाँ पे 23 का डी, देखो 24 की अगर हम बात करते हैं तो क्या आंसर होगा आप लोग का, आंसर हो जाएगा आप लोगों का वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है। इसका यूज किया जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं जब फोन में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वह वायरलेस कम्युनिकेशन ही तो हुआ। उसके लिए जो लूप का यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के समय, उसे वायरलेस इन लोकल लूप कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है WLL। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे ये एक अच्छा क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको विचार करना है और तब आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फर्स्ट है आप लोगों का कि भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब हमारे भारत में हिंदी न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रेशन की जो कि संख्या है, जो नंबर्स है वो सबसे ज्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा हमारे भारत में लगभग अगर मैं बात करती हूँ तो 20,500 के समथिंग में, याद रखना 20,500 के समथिंग में हमारे भारत में हिंदी न्यूज़पेपर का ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर तो हिंदी है, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकंड पे लगभग 7,500 के आसपास में ही आ जाता है आपका इंग्लिश में, किसका आ जाता है, इंग्लिश का आ जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करती हूँ तो थर्ड नंबर पर है मराठी, जिनका लगभग 2,900 के समथिंग में रजिस्ट्रेशन हो रखा है ना न्यूज़पेपर का, तो मराठी, क्लियर है, थर्ड नंबर पर है मराठी। तो ये तो हुआ आपका एक फर्स्ट वाली लाइन का इनका प्रॉपर आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला, ठीक है, पंजीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं यूपी की बात करती हूँ तो यहाँ पे लगभग 16,000 हिंदी
है ना, 16,000 यहाँ पर, सॉरी हिंदी नहीं मतलब कॉमन सभी का, 16,000 समाचार पत्रों का पंजीकरण क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर बात करती हूँ तो लगभग 14,000 न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन हो रखा है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। क्लियर, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट भी सही है और यहाँ पे आपका सेकंड भी सही है, यहाँ पे आपका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन वाला आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ जीजस यह किस राज्य में स्थित है, गूगल बॉय जी, चलिए आंसर करना है आप लोगों ने, क्या आंसर हो जाएगा इसका, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ जीजस किस राज्य में स्थित है, यह है किस राज्य में स्थित है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कल भी मैंने पढ़ाया था कहां पर है, यह है आपका गोवा में, कहां पर है, गोवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन कि नोट्रे डैम कीथड्रल कहाँ है, ठीक है, यह है जो कि आपका एक चर्च के समान है, यह है आपका कहाँ पर है, ठीक है, यह एक चर्च के रूप में ही जाना जाता है और यह कहाँ पर है, यह आप लोगों ने बताना है, यह कहाँ पर है, कैलिफोर्निया लीड्स की, बेल्जियम की पेरिस, कहाँ पर है, कहाँ पर है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है, यह है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, यह है यहाँ पर है आपका, ठीक है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, निम्न में से आरबीआई का कार्य, ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से कोई एक है जो कि आरबीआई का कार्य नहीं है, बाकी के तीन इसके फंक्शन है, ठीक है, चलिए फर्स्ट है बैंकों का बैंक, तो ऑफकोर्स भाई बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है किसको, आरबीआई को कहा जाता है, ये इसके बारे में बिल्कुल सत्य दिया गया है। यह कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट्स मतलब कि यह शाख नियंत्रक के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही, यह कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद गार्जियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि विदेशी मुद्रा का संरक्षक यह माना जाता है, तो ये भी इसके बारे में सही है। कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना, ठीक है, यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड्स डायरेक्टली टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो देखो भाई यह है बिल्कुल ये बात सही है कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए लोन वगैरह जो है वह प्रोवाइड कराता है आरबीआई, लेकिन यह सीधे नहीं कराता, डायरेक्ट नहीं कराता, बल्कि इसकी कुछ ब्रांच हैं लाइक नाबार्ड है और एक जिला सहकारी है, मतलब ये कुछ ऐसी इन्होंने अपनी ब्रांच बनाई हुई है जो कि किसानों को ही मदद करने के लिए स्पेशली बनाई हुई है, ताकि उनका इंटरेस्ट मतलब कि कम लगे, है ना, उनको अपनी फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है मिल सके एक लिमिट के अंदर, तो उसके लिए आरबीआई ने अपनी ब्रांच बनाई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका जो है ये इन्होंने आरबीआई के बारे में गलत दिया है, ठीक है, तो इन्होंने डी ऑप्शन आपका गलत दिया है आरबीआई के बारे में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, ठीक है, सबसे पहला जो कि चंद्रमा की सतह पर चला था मानव चलित है ना, मानव के द्वारा चलाया जाने वाला, तो वह कौन सा था, ठीक है, जिसे कि मून बग्गी के नाम से भी जाना जाता था, मून बग्गी होता है ना, मून बग्गी के नाम से भी जाना जाता था इसको, यह कौन सा है, मून बग्गी के नाम से भी इसको भी जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में भी, और 1971 से 72 के बीच में भेजा था, 1971 से 72 के बीच में भेजा था, 1971 से 1972 के बीच में भेजा था, यह किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है लूनार रोवर, ठीक है, लूनार रोवर व्हीकल के रूप में यह जाना जाता है, लूनार रोवर व्हीकल के रूप में यह आपका जाना जाता है, वाहन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पूरा नाम ये है इसका, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन में, 29 हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बताएंगे आंसर करके आप लोग,
और आसान क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? Where is the UNESCO Global Heritage Site Khajuraho located? है ना, कहाँ पर यह स्थित है? 1986 में इसे एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, इसे एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, और यह कहाँ पर है भाई, यह कहाँ पर है बताओगे? यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जो कि जैन और है ना, जो कि यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है ना, यह हिंदू एंड जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, क्लियर। चलिए, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना खजुराहो को। चलिए, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सो होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। अब लगी है बहुत तेज भूख, अब जाकर के खाना खाना है, तो क्लास को ऑफ करते हैं जल्दी से, मिलते हैं कल, अब अपने ही समय पर, अपने ही समय पर मिलते हैं। क्लास को लाइक करके आप लोगों को जाना है ना, और एक और ध्यान रखना कि इस सैटरडे मैं 11 बजे वाली क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगी, बच्चों की बहुत ज्यादा टॉपिक की डिमांड है, तो 11 बजे वाली क्लास में जो कि मेरी चलती है मेन चैनल एग्जामपुर पर ही, तो इसमें मैं सैटरडे को, ठीक है, शनिवार को टॉपिक कराऊंगी, तो टॉपिक के लिए इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सोच रही हूँ अवार्ड के बारे में ही करा दूं, तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, क्लास को करते हैं ऑफ, मिलते हैं अब हम लोग कल अपने ही समय पर। टाइम टेबल आपको दिखा देते हैं, आप लोग को अपनी स्ट्रेटजी की इम्प्रूव करनी है तो आप लोग बस 11 बजे वाली क्लास को और ज्वाइन कर लेना, और बाकी आप लोग अपनी क्लास करते रहो, सिर्फ ये दो क्लास करते रहो तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल अपने ही समय पर, सेम टाइम सेम जगह। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद जय भारत।